बड़ी खबर इस वक्त की, पकड़ी गई बोलेरो से पहले भी हत्या की कोशिश हो चुकी है, सुरक्षा कर्मी होने की वजह से यह हमला नहीं हो पाया। शाहरुख ने AK-47 और बियर स्प्रे मांगा था, सिग्नल ऐप के जरिए बरार से बात करता था शाहरुख। शाहरुख के फोन की जांच कर रही है दिल्ली पुलिस। तो यह पहली बार नहीं हुआ यह हमला, इससे पहले कोशिश हो चुकी है। और कल क्योंकि मूसेवाला ने, आपको बता दें कि अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं गए वो, साथ ही कमांडोज को भी साथ में नहीं लिया, इससे पहले सुरक्षा कर्मी होने की वजह से हमला नहीं हो पाया था। विमल कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विमल, लगातार अब अपडेट्स आ रहे हैं और त्यौहार से ही पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग होती थी इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल, देखिए तिहाड़ अगर पिछले कुछ समय की बात करें तो तिहाड़ एक तरह से तमाम ड्रेडेड क्रिमिनल्स का एक गढ़ है। जितने बड़े गैंगस्टर हैं, अगर पूरे चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे वो राजस्थान के, हरियाणा के, उनमें से ज़्यादातर दिल्ली के तिहाड़, मंडोली या फिर रोहिणी जेल में बंद हैं, जिसमें काला जठेड़ी, काला राणा, लॉरेंस बिश्नोई, नीरज भवानिया और टिल्लू ताजपुरे, तमाम गैंगस्टर इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ की अलग अलग सेंट्रल जेल में हैं, जो रोहिणी और या फिर मंडोली जेल है। और यहाँ पर अक्सर हमने देखा है कि कई बार इससे पहले भी तस्वीरें सामने आई जिसमें साफ तौर पर यह बात का जिक्र हुआ था कि किस तरीके से फ़ोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके से अंदर सही दिशा निर्देश दिए जाते हैं अपने अपने गुर्गों को। और लॉरेंस बिश्नोई जो कुछ समय पहले तक अजमेर की जेल में था, हाई सिक्योरिटी जेल में, वो भी इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल के जेल नंबर 8 में है। और लगातार लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे काला जठेड़ी हो या फिर काला राणा, इन तीनों से ही लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है। काला राणा वो शख्स है जिसका नाम सबसे पहले सामने आया था GTB हॉस्पिटल में, जब जितेंद्र गोगी का जो गुर्गा था खास, कुलदीप फज्जा, उसको जब पुलिस की हिरासत से भगाया गया था तो उसमें काला राणा का नाम सामने आया था। इसके बाद थाईलैंड से काला राणा को डिपोर्ट करके लाया गया भारत में और यहाँ पर इस वक्त वो जेल में है, उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई ने अगर जिस वक्त ये घटना हुई थी, 7 अगस्त 2021 की घटना है, विक्की मिदुखेड़ा का जो हत्या की गई थी, उसके बाद ही लॉरेंस बिश्नोई ने अपने सोशल मीडिया पर खुले तौर पर धमकी दी थी कि इसका बदला लिया जाएगा और जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार होंगे उन्हें जल्द ही एक धमाका देखने को मिलेगा। लॉरेंस बिश्नोई ने खुलेआम ऐलान किया था। उसके बाद अभी हाल ही में 26 अप्रैल को शाहरुख को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा था, 2 लाख का इनामी है शाहरुख। और शाहरुख ने भी इस बात का खुलासा किया था कि तमाम गैंगस्टर मिलकर, तमाम लोग मिलकर, जिसमें गोल्डी बरार है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई और उसके और गुर्गे हैं, एक सतबीर का भी नाम सामने आया था, सतबीर भी इस वक्त कनाडा में बैठा हुआ है। इसके अलावा एक राणा राजा मोंटी है जो लंदन में बैठकर पूरे नेक्सस चला रहा है। ये तमाम लोगों के नाम इसमें भी सामने आए थे और उसमें ये कहा गया था कि पंजाब में एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है ये लोग। उसके बावजूद 26 अप्रैल को पूरी की पूरी जब शाहरुख की अरेस्टिंग हुई, जिसने पूरी जानकारी पुलिस के साथ शेयर की, पुलिस को जानकारी दी, इसके बाद जो शाहरुख का फ़ोन है वो भी पुलिस ने अपने पास रखा, उसकी भी लगातार जांच की जा रही थी कि आखिर वो किस तरीके से वो गोल्डी बरार के संपर्क में था, लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में था, जेल से नेक्सस कैसे चल रहा था, ये तमाम चीज़ें थी। और उसके बाद पुलिस के मुताबिक ये जानकारी पंजाब पुलिस से भी शेयर की गई थी। अगर ये वाकई ये बात सही है तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है पंजाब पुलिस के लेवल पर, क्योंकि शाहरुख ने ये बात बताई थी कि जो सिद्धू मूसेवाला है उस पर पहले भी हमले का प्लान किया गया था, बाकायदा उसकी लगातार रेकी की जा रही थी। ये तमाम जानकारियाँ बेहद चौंकाने वाली थी और बेहद महत्वपूर्ण। उसके बावजूद आखिर सुरक्षा में चूक कैसे हुई, जाहिर तौर पर इसका जवाब पंजाब पुलिस को जरूर देना चाहिए। और आखिर अगर दिल्ली पुलिस ने इस मामले में प्रॉपर इनपुट दिए गए थे तो क्या दिल्ली पुलिस ने भी शाहरुख से मिली जानकारी पर कोई ठोस कार्रवाई की, क्या दिल्ली पुलिस ने कुछ और गिरफ्तारें की? फिलहाल इस मामले में लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो काला राणा, काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई से लगातार पूछताछ कर रही है और इनके अन्य गुर्गों की तलाश की जा रही है जो इस वक्त भी खुले में घूम रहे हैं। जी बिल्कुल, तो अब पुलिस लगातार अब जांच कर रही है और कई बड़े खुलासे हो रहे हैं इस पूरे मामले में। और आगे बढ़ेंगे, सिद्धू मूसेवाला की हत्या का केस अब लगातार उलझता जा रहा है। परिवार का कहना है फिरौती ना देने पर मूसेवाला की जान ली गई, वहीं पुलिस इसे आपसी रंजिश में हुआ हत्याकांड बता रही है। पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि मामला विक्की मिदुखेड़ा मर्डर से जुड़ा है और इसी वजह से सिद्धू मूसेवाला की जान ली गई, सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से फेसबुक पर लिखा गया है कि हम हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं, मूसेवाला ने हमारे भाई विक्की की हत्या में मदद की थी, इसका बदला लिया गया। विक्की मिदुखेड़ा यूथ अकाली लीडर था और वह लॉरेंस बिश्नोई का करीबी भी था। लॉरेंस बिश्नोई भी कभी पंजाब यूनिवर्सिटी का छात्र नेता हुआ करता था। मौजूदा वक्त में लॉरेंस बिश्नोई की दविन बम्बीहा गैंग से अदावत चल रही है। तो दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं।
जिस तरीके से डीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये तारे तो गैंगस्टरों के साथ जुड़ती हैं, परवार ने ये कहा कि मेरे बेटे को जिसको तो तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं और अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए और आपको बता दें ये तस्वीरें आप देख सकते हैं लगातार। और अब इस पूरे मामले में बहुत कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक बड़ा खुलासा ये कि इससे पहले भी कोशिश की जा चुकी है और सेम बोलेरो गाड़ी से वो कोशिश की जा चुकी है, लेकिन उस समय सुरक्षा कर्मी साथ था सिद्धू मूसेवाला के, तब इस घटना को अंजाम नहीं दे पाए। लेकिन कल क्योंकि सिद्धू मूसेवाला ने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी वो नहीं लेकर गए, कमांडो साथ में लेकर नहीं गए, और जो हत्यारे थे उनको एक मौका मिल गया जिसके बाद उन्होंने इसको अंजाम दिया। और सरकार इसे गैंगवॉर मान रही है, लेकिन कांग्रेस ने इसको लेकर सरकार को घेरा है। जिस तरीके से डीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये तारे तो गैंगस्टरों के साथ जुड़ती हैं, परवार ने ये कहा कि मेरे बेटे को जिसको मैंने पढ़ाया लिखाया और यहां तक मैंने कामयाब किया, उसको गैंगस्टर का नाम देकर बीच में जोड़कर मेरी तोहीन और मेरे बेटे की तोहीन मत करें, डीजी को इसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आज कोई प्रेस रिलीज भी जारी किया, जब तक कोई सिद्धू का ऐसा कोई तल्लुकात ही नहीं था किसी के साथ। और तो सिद्धू के पिता को आपने सुना भी, और उन्होंने कहा कि इसको गलत रुख दिया जा रहा है और इसको गैंगवॉर कहा जा रहा है, जबकि मेरे बेटे का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था, ये मेरी और मेरे बेटे की तौहीन की जा रही है, साफ तौर पर कहा आपने सुना भी। और अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी गर्मा चुकी है। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि चूक है, सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। हालांकि दूसरी तरफ आपको बता दें कि